हेलो एवरीवन, द पॉलिटिकल मास्टर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, सीबीएसई क्लास ट्वेल्थ के रिजल्ट को लेकर एक न्यू अपडेट है और इस अपडेट में दोस्तों सीबीएसई ने अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर एक नोटिफिकेशन जारी किया है और इस नोटिफिकेशन में दोस्तों सीबीएसई ने तमाम स्कूलों को नोटिस जारी करते हुए कहा है कि वे सभी स्कूल जिन्होंने अभी तक क्लास ट्वेल्थ का रिजल्ट जो है सीबीएसई के ऑफिशियल वेबसाइट पर तय मानदंडों के अनुरूप अपलोड नहीं किए हैं, उन्हें दोबारा 16 जुलाई से लेकर 22 जुलाई तक का समय दिया जा रहा है ताकि वो अपने सभी बच्चों का जो रिजल्ट है वो अपलोड कर सके सही प्रक्रिया का पालन करते हुए, जिसके बाद 200 सीबीएसई क्लास ट्वेल्थ का जो रिजल्ट है 31 जुलाई तक जारी कर सके। यानी सीबीएसई क्लास ट्वेल्थ का जो रिजल्ट है दोस्तों 31 जुलाई तक एनी हाउ जारी किया जाएगा, ये सीबीएसई ने पूरी तरीके से तय कर लिया है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों सीबीएसई ने यह भी कहा है कि जिन स्कूलों का अपडेट 22 जुलाई तक सीबीएसई के ऑफिशियल वेबसाइट पर नहीं आता है उनका रिजल्ट 31 जुलाई के बाद जारी किया जाएगा, यानी 31 जुलाई को जारी नहीं हो पाएगा, उनका रिजल्ट अलग से सेपरेटली जारी किया जाएगा। तो ऐसे में दोस्तों बहुत से ऐसे स्कूल हैं जिन्होंने क्लास ट्वेल्थ का जो बच्चों का जो रिजल्ट है सही क्राइटेरिया का पालन नहीं किया है, क्योंकि सीबीएसई ने दोस्तों इससे पहले भी कहा था कि कुछ स्कूलों द्वारा जो सीबीएसई से एफिलेटेड है उन्होंने अपने क्लास ट्वेल्थ के बच्चों को बहुत ही ज़्यादा नंबर दे दिए हैं जो उनकी योग्यता से कहीं ज़्यादा है। तो ऐसे में दोस्तों ये अनुमान लगाया जा रहा है कि कुछ स्कूलों का जो रिजल्ट है वो 31 जुलाई के बाद जारी किए जाएंगे। तो देखना दिलचस्प होगा दोस्तों कि 31 जुलाई तक क्या पूरे भारत में जितने भी सीबीएसई क्लास ट्वेल्थ के स्कूल हैं या बच्चे हैं उन सभी का रिजल्ट आता है या केवल उन्हीं का आता है जो 22 जुलाई तक अपना रिजल्ट जो है सीबीएसई के ऑफिशियल वेबसाइट पर अपडेट